तो सबसे पहले हम आइटम्स देख लेते हैं, कौन से आइटम्स किस साइड में लिखे हुए हैं, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। उसके बाद मैं आपको हर एक आइटम बता दूंगा कि क्यों वो डेबिट साइड में है या फिर क्यों वो क्रेडिट साइड में है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियस, ये जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि प्रीवियस ईयर में हमको नहीं मिला था, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इम्पॉर्टेंट बात, कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। लेकिन जो भी एरियर्स हैं या जो भी एडवांस हैं, ठीक है, जो एरियर्स बकाया रह गए हैं या फिर जो एडवांस मुझे मिले हैं, वो सब आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही नॉमिनल अकाउंट होते हैं, सब्सक्रिप्शन का एडवांस या सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर, जो ओपनिंग में मेरा बच गया है वो डेबिट साइड, ठीक है। ओपनिंग में जो मेरा बैलेंस दिया हुआ है कि इतना सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना है, तो वो हो गया डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एरियर, ठीक है। जो बचा हुआ सब्सक्रिप्शन जो मुझे इस साल लेना था, सपोज़ इसके बाद मैं आपको दो एग्जांपल करा दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बस इस फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान लगाइए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, जो करेंट ईयर का एरियर बच गया है, इस साल मुझे जो अमाउंट लेना था उसमें से भी कुछ एरियर बच गया है, वो इस साल का क्लोजिंग एरियर में लिखा के चला जाएगा, ठीक है। अब इस साइड में देखिए, ये हो गया ओपनिंग एरियर, ये हो गया क्लोजिंग एरियर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए ओपनिंग एडवांस, जो एडवांस मुझे दिया गया है पिछले साल इस साल के सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। सपोज इस साल में मेरा जितना सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होने वाला है उसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन के अमाउंट मुझे पिछले साल ही मिल गया, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, कलेक्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। अब इस साल जो मुझे एडवांस मिला, करेंट ईयर 2019 में, किसके लिए, 2020 के लिए, तो वो हम डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, क्रॉस होता है एक्स, ठीक है, क्रॉस होता है एक्स। अब देख लीजिए, यहाँ से आइए बी डी, यहाँ पे सी डी, क्रॉस होता है, तो ध्यान रखिए जो भी ओपनिंग है, बकाया हुआ ओपनिंग डेबिट साइड, एडवांस ओपनिंग क्रेडिट साइड, बकाया हुआ क्लोजिंग क्रेडिट साइड, और बकाया हुआ एक्स्ट्रा जो एडवांस लिया गया है क्लोजिंग, वो डेबिट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कैश जितना मुझे मिला है वो क्रेडिट साइड आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो बैलेंसिंग बचता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करेंट ईयर फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है। जनरली आपको यही निकालना पड़ता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, उस केस में हम लोग को सारा का सारा आइटम दे दिया जाता है। ये जो लाइन बना हुआ टोटलिंग, इसके बाद का आप अभी ध्यान मत लगाइए, पहले यहाँ तक देखिए, छः आइटम्स है, ठीक है। तो ये पांच के पांच आइटम्स आपको दे दिए जाते हैं, आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करेंट ईयर जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, मेनली आपको यही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ओपनिंग एरिया दे दिए जाते हैं, क्लोजिंग एरिया दे दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसका हिसाब से कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिससे आपका एरिया निकल जाता है, ठीक है। ओपनिंग एडवांस दे दिए जाते हैं, क्लोजिंग एडवांस दे दिए जाते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टोटल कितने इस साल रिसीव हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो अमाउंट दिया जाता है वो कैश रिसीव्ड एज ए सब्सक्रिप्शन, वो अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड होता है, और जो बैलेंस ही निकलता है उनको, उसको हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये छः आइटम्स किस किस बेसिस पे क्रेडिट साइड या डेबिट साइड पर गए हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन एरियर ब्रॉड डाउन जो है, ये आपका इस तरह से सीडी होगा पिछले ईयर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। उसके बाद ही हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ब्रॉड डाउन, इस तरीका से ये ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि नॉट येट कलेक्टेड इन करेंट ईयर, ये आपका नेक्स्ट ईयर में बन जाएगा नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, समझ रहे हैं ना आप। एक थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, समझ जाइएगा। इसके बाद अब बचा कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर सीडी, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में कैसे आया। पहली बात, किसी भी सब्सक्रिप्शन हमको मिलता है तो उसका जनरेटर क्या होता है, बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अब उसमें अगर एरियर रहा तो उस एरियर का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन इन एरियर अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। अब ये वाला एंट्री आप कॉपी में एक बार लिख लीजिए, जो मैं आपको बोला, बैंक अकाउंट
सब्सक्रिप्शन इन एरियर अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और उसके बाद अब इसका लेजर ये इस तरीके से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस बेसिस पे ये इधर आया है। सबसे पहली बात कि सब्सक्रिप्शन जो मेरा एरियर है वो मेरा डेटर्स है, इसलिए हम सब्सक्रिप्शन, ये पर्सनल अकाउंट आपको मैंने पहले ही बता दिया ये वाला, तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट मेरा डेटर बन रहा है तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। क्या बाकी है इससे, सब्सक्रिप्शन बाकी है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर किसी नाम के बिहाफ में लिखा हुआ है, समझ रहे ना, बहुत सारा नाम है तो सारे नाम को तो नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, बहुत लंबा हो जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इसलिए एक उसके बिहाफ में एक नाम सोचा गया सब्सक्रिप्शन इन एरियर, जो कि रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को, ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होगा, अगर सबसे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का जनरेटर क्या होता है, बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर एडवांस रहा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इस तरीके से होगा। इसके बाद ये ब्रॉड डाउन हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये देखिए सब्सक्रिप्शन सी डी है, इसके बाद ये बी डी हुआ, ठीक ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको एरिया के लिए बताया गया था। तो ये अगर करेंट ईयर में एडवांस कलेक्ट हुआ तो करेंट ईयर में सब्सिक्वेंट ईयर का एडवांस कलेक्ट हुआ है, ठीक है, ठीक इसका एंट्री आपको मैं बता दिया, उसी को आप लिख के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब ये जो बचा टोटल कैश रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में दे देगा कि इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। अब ये करेंट अकाउंट करेंट ईयर में दिख सकता है, प्रीवियस ईयर भी सकता है, और एडवांस का भी, तीनों मिला के यहाँ पे देता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, इसको लिखना। अब क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझा दूंगा कि एक्चुअल में जो रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में देता, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इस ईयर वाला लिखना है, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैश रिसीव्ड, टोटल, ठीक है। अब वो चाहे एरियर वाला हो या फिर एडवांस वाला हो, ठीक है। अब ये पांचों आइटम को लिखने के बाद आपका छठा आइटम जो है ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, आपको मेनली इसी चीज़ को निकालना है, ठीक है। और ये बाकी सारे पर्सनल अकाउंट्स का ट्रीटमेंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा, इसका ट्रीटमेंट रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट्स में हो चुका है, बस इनकम एक्सपेंडिचर वाला आपको निकालने के लिए देता है, ये निकाल दीजिए, काम खत्म, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोग को समझ में आ गया होगा होप, ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखते हैं दो इलस्ट्रेशन छोटे छोटे, एक हो पाया तो एक ही देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में लिखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें सॉल्यूशन में दो, देखिए सॉल्यूशन एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, इस तरीके से भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, एक मिनट ऐड नोट्स कर लेते हैं। ये इस तरीके से भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, और इस तरीके से भी सॉल्यूशन बनाया जाता है। आपको मैं ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला तरीका बताया, आप भी इसी को फॉलो कीजिएगा, इस तरीके से आप अभी मत बनाइए, जब आप 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इजीली इस अकाउंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तब आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ यही बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम में नोट्स मांगता है और नोट्स बनाने के लिए आप अकाउंट बना दीजिए तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, ये देखिए ये सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दे दिया 2,50,000 और कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016 50,000, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017 35,000, यानी कि क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है दोनों। अब एडवांस देखिए, यहाँ पे दिया ओपनिंग एडवांस और यहाँ पे दिया क्लोजिंग एडवांस 25,000 30,000। अब आपको अगर वो फॉर्मेट में आप बताया कि क्रॉस होता है, ठीक है, दोनों क्रॉस होता है, सबसे पहले डेबिट साइड में एडवांस ओपनिंग वाला, उसके ठीक क्रॉस साइड में क्लोजिंग वाला, आपको मैं बता दिया अकाउंट में कि क्रॉस होता है, ठीक है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में ओपनिंग वाला, ठीक उसके क्रॉस साइड में आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला, एडवांस क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर में ओपनिंग वाला, ठीक उसके क्रॉस साइड में क्लोजिंग वाला, ठीक है, एडवांस, ठीक है, और बाकी जो रिसीव्ड हुआ टोटल रिसीव्ड वो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, टोटल जो आपको बताया था फॉर्मेट में, ये रहा फॉर्मेट टोटल, ठीक है, और बाकी ये रहा एरियर
दोनों, ये रहा एडवांस दोनों, ये पांचों आइटम्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको इजीली समझ में आता है कैसे। देखिए बैलेंस बी डी आउटस्टैंडिंग, बैलेंस सी डी आउटस्टैंडिंग, बहुत आसान। बैलेंस बी डी एडवांस, बैलेंस ए बैलेंस सी डी एडवांस, ठीक है। इसके बाद देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट लिखा हुआ, जब मैं बता दें कि टोटल वाला लिख देते हैं, 2,50,000 दिया है क्वेश्चन में, लिख दिए। ये रहा बैलेंसिंग फिगर, जब आपको बताया कि मेनली आपको ये निकालने दिया जाता है बैलेंसिंग फिगर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये आ गया, बस इसको लिख दीजिए आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, काम खत्म। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यही है, यहाँ तक कि कोई भी प्रीपेड एडवांस का अगर आपको सैलरी भी दे दे कि प्रीपेड एडवांस है, वही सेम चीज़ कीजिएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साइड में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साइड में, ओपनिंग एडवांस इस साइड में, क्लोजिंग एडवांस इस साइड में, जितना सैलरी इस साल हम पे किए इधर कर दीजिएगा और बाकी जो होगा इनकम एक्सपेंडिचर का हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।